सो हाय गाइस, आज की वीडियो में हम TVS अपाचे RTR 164V को परचेज करने के पांच कारण आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हो तो प्लीज़ इस छोटी सी वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए बिना टाइम गए वीडियो को शुरू करते हैं और पसंद आने पर लाइक शेयर करना मत भूलना। तो पहला रीज़न जो है वो है इसका इंजन। गाइज, आपको इसमें इंजन की पावर बहुत ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर 160cc सेगमेंट बाइक जैसे होंडा से भी हॉर्नेट एंड जिक्सर। आपको इसमें 16.9 PS की जो है वो इंजन की पावर मिलती है, जबकि हॉर्नेट में मिलती है 15.09 PS की एंड जिक्सर में मिलती है 14.8 PS की। तो उन दोनों से ज़्यादा पावर इसमें मिलती है, जो कि टॉप स्पीड पर भी इफेक्ट डालती है। इसकी टॉप स्पीड उनसे ज़्यादा होगी। तो ये था पहला रीज़न। तो जो अगला रीज़न है वो है गाइज इसकी हाइट और वेट। इसका जो हाइट और वेट है वो बिल्कुल सही है, जो कि स्मॉल और स्किनी राइडर्स के लिए भी अच्छा है और टॉल राइडर्स के लिए बिल्कुल सही रहेगा। तो ये था दूसरा रीज़न। तो गाइज जो तीसरा रीज़न है वो है इसका एग्जॉस्ट। गाइज इस बाइक में जो आपको एग्जॉस्ट मिलता है वो डबल स्ट्रिप एग्जॉस्ट मिलता है, जिस कारण कि इस बाइक की जो साउंड होगी वो बिल्कुल मतलब कि वो स्पोर्ट बाइक वाली साउंड आपको मिलेगी जो महंगी स्पोर्ट्स बाइक होती हैं। तो अगर आप है स्पोर्ट्स बाइक लवर और आप लाना चाहते हैं अपने बाइक में स्पोर्ट्स साउंड, तो आप ये बाइक परचेज़ कर सकते हैं, इसकी साउंड बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये था तीसरा रीज़न। तो ये जो चौथा रीज़न है वो है इसकी लुक। आप देख सकते हो कितनी शानदार लुक मिलती है इसके मस्कुलर टैंक। तो गाइस इसकी लुक में जो है वो चार चांद लगा देते हैं, कितनी शानदार लुक प्रोवाइड करता है। एंड फ्रंट लुक तो गाइस इस बाइक की लाजवाब है, एंड बैक लुक भी आपको बहुत ही शानदार मिलती है खूबसूरत टेल लाइट के साथ। एंड जो इसके टैंक पर ये वाइट स्ट्रिप का डिज़ाइन मिलता है, ये तो इसकी लुक को और बढ़ा देता है। तो ओवरऑल लुक बहुत अच्छी है। तो ये था चौथा रीज़न जो है इसकी लुक। तो अब जो लास्ट और पाँचवा रीज़न है वो है गाइज इसकी हेडलाइट। तो आप कहोगे इसमें कौन सा LED हेडलाइट मिलती है, पर गाइज चाहे LED हेडलाइट नहीं मिलती, पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो कॉर्नर है ना, यहाँ पर आपको LED स्ट्रिप मिलती है जो कि रात को कुछ ऐसी दिखती है और लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहांस करती है और कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है देखिए रात को। तो ये भी था पाँचवा रीज़न, आखिरी रीज़न था ये। तो अगर आपको हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई हो या आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना।